गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा बिटटोरेंट यानी कि बीटीटी कॉइन के बारे में, साथ ही एक्सट्रीजेड यानी कि तेजोस कॉइन जो है उसके बारे में बात करेंगे। इतने ज़्यादा पंप कर चुके हैं, क्या सेलिंग का समय आ चुका है या फिर यहाँ पे अभी और हमें होल्ड कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर बिटकॉइन का भी थोड़ा सा अपडेट लेंगे, कितने लॉन्ग स्लो के ओपन है, कितने शॉर्ट्स ओपन है उसको देखेंगे, और इस रेशियो से यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस में वो भी यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। करंटली आप देखोगे बिटकॉइन को तो जैसे कि एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कल 51-52 हज़ार से एक करेक्शन आएगा, वो आता हुआ भी दिखा प्राइस के अंदर, और अभी जो ये $50,000 का जो लेवल बना है हमारा वो सपोर्ट की तरह काम करा है यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। इसके जस्ट नीचे मैंने आपको बोला था $49,000 के आसपास स्टॉप लॉस अपने लगाना अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो या फिर बिटकॉइन के अंदर अपने स्पॉट में बाइंग कर रही हुई है, तो $49,000 एक अच्छा जोन रहेगा जहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग यहाँ पे मैं करता हूँ बी टी से बारे में। बी टी टी काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है यहाँ पे, 30-40% का पंप इसके अंदर हमें देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा ये प्रॉफिट दे रहा है। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे मैं आई एन आर के अंदर चार्ट पहले दिखा रहा हूँ, फिर आपको यू डी टी के अंदर भी थोड़ा बता दूंगा तेजोस कॉइन का भी। तो यहाँ पे आप करंटली देखोगे तो बी टी टी आप देखोगे जहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा आती है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पहुँच चुका है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कॉइन पंप करते हैं जैसे बी टी टी है और एक्स टी जेड है, ये यहाँ पे पंप कर रहे हैं अभी, तो लोग इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसको बाय करने का सोच रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब डंप में होते हैं तब बाय करो, अभी सेलिंग का टाइम आ चुका है, अभी आप बाय करोगे तो आपका 90 में से 100% लॉस होना तय है यहाँ पर, मतलब 100 में से 90% लॉस होना तय है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे बी टी टी की बात करें हम, तो उसका मेरिट लॉन्च था यहाँ पे, ये न्यूज़ आई 6 दिसंबर को, उसके बाद लगातार इसके अंदर में पंप देखने को मिला, जहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इस लेवल से आप देखो लगभग 30-40% ये पंप कर चुका है और अभी अपने सेलिंग लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है इस लेवल पे 0.32 के आसपास बी टी टी कॉइन की। तो मेरा तो कहना ये रहेगा कि आप अगर आपने यहाँ पे बाय करा था नीचे लेवल पे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, एवरेज आउट भी हो रहा हो तो एवरेज आउट कर लो, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो आपका वो रिस्क लेगा। उससे अच्छा एक और आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, आप जस्ट इसके नीचे यहाँ पे इस लेवल पे लगभग 0.30 के आसपास एक स्टॉप लॉस अपना लगा दो, ताकि यहाँ से फॉल आउट होना मतलब नीचे की साइड डाउनफॉल होना स्टार्ट हो प्राइस के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल हो जाए और आपका लॉस होने से यहाँ बच जाए। सेलिंग बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही बी टी टी की और ना ही एक्स टी जेड की, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पम्प कर चुके हैं। इस टाइम जो लोग यहाँ पे बाइंग का सोच रहे होंगे वो बेवकूफ़ी करेंगे इस टाइम जो बाय करेंगे हाई पे, और उम्मीद करता हूँ जिन लोग हाई पे बाय करते हैं उन लोगों को एक अच्छा सबक मिला भी है और वो सीख गए ये चीज़ कि हाई पे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कॉइन का प्राइस देखोगे यहाँ पे, हम पिछले अगर कुछ महीनों का प्राइस देखें, यहाँ पे लगभग 3 सितंबर से इसका प्राइस देखें, 3 सितंबर को भी ऐसे ही एक पंप आया था, यहाँ पे 0.40 तक इसका प्राइस गया था, जो कि इसका यहाँ पे टॉप लगा था पिछले 4-5 महीने के अंदर, और मेरा मानना है कि वहाँ तक जा सकता है प्राइस इस बार भी। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखें कि कितना ज़्यादा जा सकता है, तो 0.40 तक जा सकता है प्राइस इस बार भी, और वैसे तो इसका जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है वो लगभग 1 रुपीज के आसपास गया था, 0.95-0.96 के आसपास था ऑल टाइम हाई जो था बी टी टी का बिटटोरेंट का, क्योंकि टी आर एक्स के साथ ही पंप करता है। लेकिन अभी जो ये पंप आया ये इसके न्यूज़ बेस पे आया, ये यहाँ पे मार्केट के बेस पे नहीं आया, क्योंकि मार्केट अभी इतनी पंप नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो, एवरेज आउट हो रहा है तो एवरेज आउट कर लो, अच्छा मौका यहाँ पे बी टी टी से पैसा निकालने का, और ये लेवल अच्छा रहेगा 0.33-0.32 के आसपास एक अच्छा लेवल है सेलिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग आती हुई हमें दिखती है इस लेवल पे बी टी टी की। तो बी टी टी का सिंपल यहाँ पे अपडेट है, बाइंग तो बिल्कुल बनती नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना पंप हो चुका है। आपने देखा कि हाई पे बाई करके क्या हमें मिलता है, यहाँ पे जब चलती ट्रेन में हम चलते हैं तो वहाँ पर गिर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बी टी टी में भी आपका लॉस होना तय है अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो। दूसरी बात ये, अगर बाई चांस ऊपर बढ़ भी जाता है और आपको यहाँ पे सेफ होना है कि भाई ऊपर बढ़ जाए तो हमारा प्रॉफिट भी हो जाए, तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा लो 0.30 का, कि नीचे ऊपर जाने के बजाय नीचे की साइड फॉल आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपका बड़ा लॉस होने से यहाँ पे बच जाए और सिंपल आपका प्रॉफिट में यहाँ पे ही कॉइन निकल जाए। तो ये स्ट्रेटजी सिंपल है यहाँ पे बी टी टी के लिए अभी के हिसाब से, क्योंकि इसकी न्यूज़ बेस्ड पंप है तो मैं इतना ज़्यादा कहूँगा नहीं। आप देख सकते हो मैंने टॉन था, ये 6 दिसंबर को न्यूज़ आई थी इनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद इसके अंदर लगातार पंप देखने को। एक्सट्रीजेड जो हमारा टेजोस कॉइन है उसने भी अच्छा खासा यहाँ पर पंप लिया, लगभग 15-20% का पंप इसके अंदर भी हमें ओवरऑल देखने को मिला, लगभग 30% तक पंप आया अगर ओवरऑल हम देखें। यहाँ 3.8 तक चला गया था डंप के अंदर इसका प्राइस, उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त रिकवरी आई यहाँ पे, अभी 5.66 के आसपास लगभग इसका प्राइस चल रहा है, अगर 5.58 के आसपास, तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 5.9 के आसपास, यहाँ पे आप सेलिंग देख सकते हो अगर आप इसको सेल करना चाहते हो, अदरवाइज बाइंग अभी नहीं बनती है। बाइंग करना चाहते हो तो आपको ये लेवल देखना होगा, एटलीस्ट 4.6 का लेवल आपको यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर वन डे का मैं चार्ट ओपन करूँ तो उसी लेवल पे आपको यहाँ पे ये 100 MA भी देखने को मिलता है। तो
उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि अगर आप डंप में इसको बाय करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 4.56 के आसपास। बाकी अभी बाइंग का कोई समय नहीं है, बल्कि सेलिंग का आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है ऊपर वाले एरिया पे आप देखोगे, और बिटकॉइन अगर यहाँ से रिकवरी नहीं करता है तो यहाँ पे नीचे फॉलो हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे त्रेडोस में भी उसी तरीके का हमें फॉल देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही कॉइन, चाहे BTT हो या तेजोस हो, दोनों ही कॉइन पंप करे हुए, न्यूज़ बेस पंप करे हैं दोनों ही। तेजोस को भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी जहाँ पे एक NFT बेस्ड ये गेमिंग है, गेमिंग गेम है जो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है तेजोस के ब्लॉक चेन पे, जिस जो तेजोस कॉइन की ब्लॉक चेन है उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से इसके अंदर भी हमें पंप देखने को मिला। और ये लगातार आप देखोगे इस न्यूज़ को हाईलाइट भी यहाँ पे कर रहे हैं जैसे जैसे अपने ये अपडेट्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें इसके ऊपर इनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, तो इसलिए मैं कहूंगा इन दोनों कॉइन से न्यूज बेस्ड पंप आए, इनके अंदर अच्छे पंप आए हैं। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, लॉस में सेल मत करना, प्रॉफिट है तो सेल कर दो, अदरवाइज होल्ड कर सकते हो अभी अगर आप लॉस में ज्यादा हो 10% 20% के। बाकी मैं हाई पे बाय करना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो मार्केट भी ऐसे डाउन है, ऊपर से हाई में बाय करना हमेशा रिस्की वैसी रहता है, आप ये चीज तो सीख ही गए होगे मार्केट में जो क्रैश आया उससे। तो यही अपडेट थी फिलहाल इन दोनों कॉइन के लिए। अभी हम सीधे यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर चलेंगे, और बिटकॉइन के ऊपर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्राइस देखूँ तो एग्जैक्ट यहाँ पे $50,000 पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारा बहुत पुराना रेजिस्टेंस था एक तरह से हम कह सकते हैं, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर इसके नीचे प्राइस गिरता है तो वो फ्री फॉल की साइड मूव हो जाएगा प्राइस, और मुझे लगता है कि अगर मैं 1 डे चार्ट यहाँ पे ओपन करूँ तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, अगर प्राइस नीचे की साइड मूव करता है तो लगभग लगभग इस लेवल पे आके रुक एक सपोर्ट मिलेगा प्राइस को, जहाँ पे 100 MA भी हमें देखने को मिलेगा। $46,500 का ये लेवल है जहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मैं मानता हूँ यहाँ पे मिलेगा बिटकॉइन को, अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है तो। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि बिटकॉइन को लेके अभी साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, और ये आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाइंग आपको करनी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप Web 3.0 के कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर बाइंग ढूंढ सकते हो, अभी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा आपसे। अभी फिलहाल इतना ही कहना था कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको 1 वीक का चार्ट दिखाऊँ, यहाँ पे डबल टॉप बना है बिटकॉइन के अंदर, मैंने 1 वीक का ये चार्ट ओपन करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक वॉर्स हम बोलते हैं कि बेकार से बेकार सिचुएशन जो दिखा रहा है बिटकॉइन के लिए, वो यहाँ पे इस लेवल के दिखा रहा है $30,000 के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा कि $30,000 जाएगा बिटकॉइन, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिखा रहा है कि अगर यहाँ से एक फ्री फॉल आता है नीचे की साइड, बहुत बड़ा क्रैश आता है, तो $30,000 पे जाके प्राइस रुकेगा बिटकॉइन का, अगर यहाँ से क्रैश आता है दोबारा से। तो अदरवाइज मैं दोबारा से नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्रैश आएगा, लेकिन अगर आता है तो ये हमारा वॉर सिचुएशन में रहेगा प्राइस $30,000 का जो एक एरिया है, अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो। तो ये वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, जो कि बुरी से बुरी सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे फेस कराई। बाकी मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का यहाँ पे रेशियो देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे पिछले 24 घंटे के अंदर जितने लोग लॉन्ग कर ओपन करे हुए हैं उतने लोग ही यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हैं, बल्कि शॉर्ट का मुझे रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे प्राइस बीच में थोड़ा देर थम सकता है, उसके बाद जैसे ही रेशियो बढ़ता है, देखो होता क्या है जब ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन होते हैं तो वहाँ पे पंप आने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, मतलब बड़े पंप आने की, क्योंकि फिर सबका प्रॉफिट वहाँ पे हो जाएगा जिन लोगों ने लॉन्ग्स ओपन करा हुआ है। वैसे ही जब शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो जाते हैं तो वहाँ पे पंप आने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब ऊपर की साइड प्राइस जाएगा सब लिक्विडेट होंगे, एक्सचेंज को फायदा होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा गेम चलता है मैनिपुलेशन का, तो मैं लॉन्ग शॉर्ट्स भी यहाँ पे देखता रहता हूँ किस एक्सचेंज पे कितने यहाँ पे ओपन है, आप भी देख सकते हो यहाँ पे एक्सचेंजेस BTC लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में क्लिक करोगे आप जाके ब्राउजर में, तो आपको ये रेशियो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी दोनों इक्वल चल रहा है, डेट मीन्स कि यहाँ से दोनों साइड मूव कर सकता है प्राइस, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप स्टॉप लॉस अपने तैयार यहाँ पे रखो, अगर नीचे की साइड मूव करता है तो आप बच जाओ, ऊपर की साइड मूव करता है तो आप बाइंग कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही करना, स्टॉप लॉस आपको मस्ट यहाँ पे यूज करना है हर एक कॉइन में जो भी आप यहाँ पे बाय करो। जो लोग अलग से बाय करके बैठे हुए हैं पहले से 20-30% लॉस में, तो आपको किसी भी कॉइन से एवरेज आउट हो रहा है तो 10-20% अपना वहां से निकाल लो और एक डंप के लिए बचा लो। डंप के लिए नहीं तो एटलीस्ट 53,500 पे हम स्टेबल हो जाए, या फिर $50,000 के ऊपर सही से स्टेबल हो जाए वीकली क्लोजिंग कर लें, उसके लिए आप बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक अटकी हुई है एक जगह पे जहाँ से पंप आने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है और नीचे की साइड जाने की थोड़ी सी ज़्यादा है अभी को देखें हम शॉर्ट टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली सब जानते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड मूव करती है, और मार्केट का मूवमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर की साइड रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फरवरी की, जनवरी की, तो यहाँ पे डेफिनेटली जाएगी $70,000-$80,000 क्या $1,00,000 भी जाएगी फरवरी मार्च की हम बात करें तो। ये कुछ अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए जी।